हाय एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ मटन स्टू की रेसिपी बिल्कुल अलग तरीके से। तो इसके लिए मैंने 1/2 kg मटन लिया है और इसमें मैं प्याज डालूँगी। और ये देखिए कुछ खड़े मसाले हैं, थोड़ी सी कबाब चीनी है, लौंग है, हरी इलायची है, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े और ये स्टार एनिस से इसमें डाल दूंगी। कबाब चीनी कई जगहों पे नहीं मिलता, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो नहीं डालें, कोई बात नहीं। और ये मैं 4 लाल मिर्ची डाल रही हूँ साबुत इसमें। और ये लहसुन है और 7 हरी मिर्च है और ये थोड़ा सा अदरक है। लहसुन को आप चाहे तो क्रश करके भी डाल सकते हैं। तो इन सारे मसाले को मैं इसमें डाल दूंगी और इसको 1 सीटी आने के बाद 10 मिनट तक प्रेशर कुकर में इसको कुक कर लेंगे। और ये 4 से 5 तेज पत्ता और टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। और अब इसको ऑयल इसमें भी नहीं डालना है, ऑयल बाद में डालेंगे, पहले इसको प्रेशर कुकर में कुक कर लेते हैं। अब इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैं नींबू को निचोड़ रही हूँ, 1 नींबू का रस है ये। इस तरह से छन्नी में छान लेंगे तो इसका सारा बीज वगैरह सब इसमें आ जाएगा। और ये देखिए मैं कढ़ाई चढ़ा ली हूँ, उसमें सरसों का ऑयल डाली हूँ, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। और इस तेल को बहुत ज़्यादा गर्म करना है। ये देखिए ये थोड़ा सा धुआं धुआं इससे आने लग गया। अब गैस को ऑफ कर देंगे 5 मिनट के लिए। और ये 2 टमाटर को मैंने पानी में हल्का सा 5 मिनट के लिए उबाल लिया। अब इसको मैं निकालूंगी और इसके छिलके को ऊपर से उतार लेंगे। और इसको या तो आप रफली चॉप कर लें या इसको मैश कर लें। ये तेल को बिल्कुल ठंडा कर दिए थे, अब वापस इसको हल्का सा गर्म कर देंगे। और इसमें आप ये नींबू का रस ऑयल में डाल देंगे। अब इसमें ये टमाटर को डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से इसमें भून लेंगे। टमाटर 5 मिनट हो चुका है, टमाटर अच्छे से भुन गया है। अब इसमें धनिया, जीरा, सौंफ का रोस्ट किया हुआ ये मोटा सा पाउडर है, इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना है। इसको इसमें डाल देंगे अब 2 चम्मच, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 1 से 2 मिनट इसको डाल के भून लेंगे। अब इसमें मटन को डाल लेंगे। अब इसको इसमें अच्छे से चलाते हुए इसको भूनना है ताकि ये जो सारा खड़ा खड़ा मसाला है ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। 10 से 15 मिनट में ये तैयार हो जाएगा अब। और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, पूरा वीडियो को अच्छे से देखें, फिर आपकी स्टू बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनेगी। 5 मिनट हो चुका है मटन को भूनते भूनते, तो देखिए इसका सारा मसाला कितना अच्छे से मिक्स हो चुका है।
और अब इसमें दही डाल देंगे 50 ग्राम के आसपास है ये दही, 50 से 60 ग्राम। अगर आप टमाटर का यूज़ नहीं करते तो आप 100 ग्राम दही डाल दीजिए, अगर आप टमाटर डाल रहे हैं तो दही की क्वांटिटी को कम कर दें। अब इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर डाल देंगे तो इससे टेस्ट अच्छा आता है। और इसको अच्छे से अब 1 से 2 मिनट तक भून लें। ये अब रेडी हो चुका है। अगर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए मटन बिल्कुल भून के रेडी हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे हल्का सा ग्रेवी के लिए। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल रहे हैं फाइनली लास्ट, और इसमें बस मैं इतना सा पानी डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। देखिए इसको अच्छे से मिला लिए हैं पानी डाल करके, और अब इसको एक बार उबलने देते हैं हल्का सा। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो हरा धनिया इस स्टेज पर डाल सकते हैं थोड़ा सा। और देखिए ये डबक चुका है, बिल्कुल उबाल आ चुका है इसमें। तो अब मैं इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ, और अब इसको ढक देंगे और 1 मिनट के बाद गैस को ऑफ कर देंगे। ये स्टू बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही लाजवाब है, इसकी खुशबू भी बहुत ही लाजवाब आ रही है।